खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी राहुल पर दिए गए एक नेता के विवादित बयान की, साथ ही बात होगी केजरीवाल के घोटाले के खुलासे की। इसके अलावा आज राजनीति में क्या हुआ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। उन्नाव भाषे वाली बस भी आरसी का पता फर्जी बगैर बीमा परमिट के दिल्ली तक दौड़ रही थी खटारा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार की सुबह एक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में कुल 18 लोगों की मौत हो गई। ये सड़क हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। वहीं अब इस हादसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो हैरान कर देने वाला है। जानकारी मिली है उसके मुताबिक बस के कागजों में दर्ज पता फर्जी निकला। वहीं ये बस बिना परमिट और बिना बीमा के चल रही थी। वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में ली। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुंबई की अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मिहिर शाह को बीते दिन गिरफ्तार किया गया था। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा में भयानक भूस्खलन, नेशनल हाईवे हुआ बंद। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास बहुत भयानक भूस्खलन हो गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया है और नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पेश किया गया राजस्थान का बजट। 4 लाख युवाओं को नौकरी, 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट मिलेगा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग के लिए ऐलान किए गए हैं। सेंसेक्स 427 अंक टूटकर रिकॉर्ड स्तर के नीचे फिसला। निफ्टी में 109 अंक की गिरावट। सेंसेक्स 426 अंक टूटकर 69,924 अंक पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी 108 अंक के नुकसान के साथ 24,324 अंक पर बंद हुई। हेडलाइंस के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वायरल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार एक सरकारी कार्यक्रम में कहने लगे कि कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले तो आप देखिए ये वायरल वीडियो। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वो अधिकारी के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे। दरअसल जेपी गंगा पथ के गाया घाट के कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान मंच से सीएम नीतीश कुमार अधिकारी के हाथ पैर जोड़ने की बात करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। हाल में ही संसद के विशेष सत्र के दौरान जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था, तब से उस पर बवाल मचा हुआ है। अपने इस बयान से राहुल गांधी एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा उनको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच राहुल गांधी की वकालत करने वाले कर्नाटक बीजेपी विधायक डॉक्टर वाई के भरत शेट्टी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। शेट्टी दांत के डॉक्टर हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कुछ कह दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान को लेकर भड़के कर्नाटक के भाजपा विधायक डॉक्टर वाई के भरत शेट्टी के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 FIR दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मैंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। जरा सुनिए उन्होंने ऐसा कैसे कहा। ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಾಜ
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕೆಪ್ಪದಂಡ वही राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, पागल को नहीं पता कि अगर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो वो भस्म हो जाएंगे। उन्होंने हिंदू विरोधी नीति अपनाई है। ये स्पष्ट है कि एलओपी राहुल गांधी एक पागल है। उसे लगता है कि वो हिंदुओं के बारे में जो कुछ कहेगा हिंदू चुपचाप सुन लेंगे। अगर वो संसद में बोलेगा तो स्थानीय नेता यहाँ अपनी दुम हिलाना शुरू कर देंगे। भरत शेट्टी ने कहा कि हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है। बता दें, डॉक्टर शेट्टी पिछली बार मैंगलोर सिटी नॉर्थ से चुनाव जीते थे। शेट्टी कर्नाटक में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। जाहिर है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद में कहा था कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, मगर खुद को हिंदू कहने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग दिन भर नफरत और हिंसा की बात करते हैं। उनके इस बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ था। बीजेपी नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसा कह दिया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने उनके पुतले तक जलाए थे। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह विवाद राहुल गांधी से अभी काफी दिनों तक जुड़ा रहने वाला है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल काफी समय से जेल में हैं। वहीं उनकी पार्टी आप हमेशा से आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल को जेल में डालने का मतलब साफ तौर पर यही है कि ईडी जैसी संस्था बीजेपी के इशारों पर चल रही है। लेकिन अब ईडी ने ऐसे सबूत जनता के सामने रख दिए हैं जिससे काफी बड़ा खुलासा हो सकता है। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के माध्यम से आम आदमी के सीनियर लीडर्स के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सबूत पेश किए हैं। पूरे हवाला नेटवर्क की जानकारी दी है, देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट के माध्यम से सबूत पेश किए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने कोर्ट के सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जिसे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हवाला नेटवर्क के माध्यम से कैश ट्रांसफर के टोकन की कॉपी से जुड़े सबूत दिए गए हैं। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं जो कि इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। एक रुपए के नोट पर उसके नंबर के माध्यम से हवाला का कैश गोवा पहुंचाया गया। ईडी का कहना है कि स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में किया जाना था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे दो बैग अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित पैसा जो कि साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत दिया गया आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है जिसमें हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। अब इस मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कविता सहित कई अन्य आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में निचली अदालत से बेल मिल चुकी है हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई भी दिल्ली सीएम को अरेस्ट कर चुकी है। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति के माध्यम से दक्षिण भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया। 100 करोड़ के फायदे के बदले में इन व्यापारियों ने पार्टी को गोवा चुनाव 2022 में 45 करोड़ रुपए की मदद की थी।
देखा जाए तो केंद्र सरकार पर काफी समय से आरोप लग रहा है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन ईडी के सबूत बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा पर वार करने से पहले विपक्ष और खासकर आम आदमी पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इन सबूतों के खिलाफ कुछ दमदार पेश करना होगा। ये तो थी खबर अब तक की कुछ खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा आज राजनीति में क्या कुछ हुआ खास वो भी बता देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वैन डेर वेलन के साथ बैठक की। इसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ संयुक्त वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं वर्ली हिट एंड रन केस में पीड़िता के पति से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह हादसा नहीं हत्या है, मिहिर शाह को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कहा कि जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शारदा बैराज और अन्य क्षेत्रों के निकट समय रहते बाढ़ से सावधानियां बरतने से जान माल की बड़ी हानि को टाला जा सकेगा। आपके विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों के समय पर किए गए प्रयास से एक बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। छतरपुर से विधायक करतार सिंह कंवर और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुछ समय पहले ही राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मगर जाते जाते एक बात आपसे जरूर करेंगे। आज सुबह 5 बजे यूपी के उन्नाव में डबल डेकर स्लीपर बस और टैंकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई, 19 घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और टैंकर दोनों के परखच जोड़ गए। वहीं एक दिन पहले ही यूपी के अमेठी में दिल्ली से बिहार के सिवान जा रही बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे हादसे आए दिन सामने आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लंबी दूरी की बसें क्यों दौड़ती हुई ताबूत साबित हो रही है। आखिर ऐसी बसों और मालिकों पर एक्शन क्यों नहीं होता? जिस तरह आए दिन बस हादसों में लोगों की जानें जा रही हैं, उससे लंबी दूरी की बस सर्विस पर सवाल उठने लाजमी है। क्या लंबी दूरी की प्राइवेट बसों पर रोक लगाई जानी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। वैसे प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर ये बसें ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो हादसों में यूं जिंदगियां नहीं जाएंगी, लेकिन ये बसें मनमाने और खतरनाक ढंग से सड़कों पर दौड़ रही हैं। ना नियमों की परवाह है, ना यात्रियों की सुरक्षा की चिंता। अगर ऐसा ही होता रहा तो कहीं ना कहीं इसके लिए करप्शन या फिर प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है। बसें ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं, इसे लेकर जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं। इसमें कुछ तो लापरवाही है और कुछ हद तक करप्शन भी जिम्मेदार है। ये तो ओपन सीक्रेट है कि बस मालिक सड़क पर मनमानी तरीके से बस दौड़ाने के लिए जगह जगह चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस वजह से उन पर एक्शन शायद नहीं होता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत आज के इस सुविचार के साथ। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते।